नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। क्या रेप की शिकार लड़की ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ मांगे? लड़की ने दोस्त के मोबाइल से भेजा गया था मैसेज। स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाली लापता छात्रा की राजस्थान में अपने दोस्त संजय के साथ मिलने से 5 करोड़ की रंगदारी माने जाने के मामले में खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों पूर्व स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा ने घोर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे, और उसके बाद से ही छात्रा लापता हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी के चलते स्वामी चिन्मयानंद पर शक किया जा रहा था और लोग उस पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। और बीच में स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने का मामला भी सामने आया था। लेकिन अब छात्रा राजस्थान में अपने दोस्त संजय के साथ पकड़ में आ गई है और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। और ये माना जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद के व्हाट्सएप पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मैसेज छात्रा और इस युवक ने ही किया गया था। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। उसके पहले कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाह रहा है। SS लॉ कॉलेज में विधिक कार्य देखने वाले अधिवक्ता ओम सिंह ने 25 अगस्त को 2:30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि स्वामी चिन्मयानंद के मोबाइल पर एक नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और मैसेज भेजने वाले ने ये धमकी दी है कि यदि रुपये नहीं दिए तो जो वीडियो है वो वायरल कर देगा और इससे स्वामी चिन्मयानंद की इज्जत चली जाएगी। इसके बाद एक शाम को छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए फेसबुक पर वीडियो वायरल किया था और 24 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद 25 अगस्त को ये छात्रा अचानक से लापता हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने जांच की तो जानकारी मिली कि छात्रा लॉ कॉलेज की है और पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि वो किसी युवक के साथ फरार है। पुलिस की टीम ने छापा मारा लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस का शक और गहराता गया और पुलिस ने राजस्थान के तिलहर क्षेत्र में छापा मारकर एक युवक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ के आधार पर नंबर को ट्रेस किया जिस नंबर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने का मैसेज किया गया था। पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है और उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस छात्रा के सुप्रीम कोर्ट में बयान को अहम बता रही है और पुलिस अधिकारी छात्रा के मिलने के अलावा कुछ भी बताने से अभी कतरा रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।